महोदय, वकील स्वर्गीय जुगराज जी की हत्या के बाद और फिर एक महीने से ज़्यादा के हड़ताल के बाद सरकार को होश आया है, उसके लिए तो सरकार का अभिनंदन। इसमें भी जिस मजबूरी में आप ये लाए हैं उसको लेकर स्पष्ट हो रहा है, आपने जो जो इसमें प्रोविज़न किया है उनका भी सारा विरोध हुआ और विरोध के बाद आप वापस ले रहे हैं। कुछ सुझाव मैं भी देना चाहूँगा। एक तो जो मुवक्किल और वकील का रिश्ता कोर्ट की नज़र में तब कायम होता है जब उसका वकालतनामा कोर्ट में पेश हो जाए, लेकिन हकीकत में तो वो रिश्ता उस दिन शुरू हो जाता है, उस पल शुरू हो जाता है जिस पल मुवक्किल वकील के पास जाके पहली बार सलाह मांगता है कि मेरे साथ ये हुआ और मुझे क्या करना चाहिए, वहाँ से शुरू हो जाता है। और इसलिए जो वकालत के पेशे को लेकर एट्रोसिटी यदि होनी है तो वो वहाँ से भी शुरू हो सकती है, इसलिए उसको भी उस दायरे में लिया जाना चाहिए। और दूसरा सुझाव मेरा यह है कि वो जो आपने न्यायालय परिषद को हटा के और उसका दायरा बढ़ा दिया उसके लिए तो आपका धन्यवाद, लेकिन वकील के ऑफिस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है मुंशी, उसके साथ भी वही होता है कई बार और हो सकता है जो वकील के साथ हो सकता है, वकील के परिवार के साथ हो सकता है, वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसको आप बिल्कुल ही भूल गए, उसको भी शामिल किया जाना चाहिए इसमें। और फिर जो जो आप लाए हैं धारा 11 दुरुपयोग वाली, जो धारा 10 हो कर दिया आपने, मेरा निवेदन है कि कौन सा कानून ऐसा है जिसका दुरुपयोग नहीं होता, 323 से लेकर 302 तक हर धारा का दुरुपयोग होता है, एट्रोसिटी SC ST एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग नहीं होता क्या, सरकार ऑन रिकॉर्ड मान चुकी है 50% ज़्यादा फर्जी पाए गए वो केस, क्या 498A का दुरुपयोग नहीं होता क्या, घरेलू हिंसा कानून का दुरुपयोग नहीं होता क्या, पोक्सो का दुरुपयोग नहीं होता क्या, कौन सा कानून ऐसा है जिसका दुरुपयोग नहीं होता? बाकी सब जगह आपने ऐसी धारा नहीं डाली तो वकीलों ने ही आपका क्या बिगाड़ा था, बाकी सबके लिए 182 IPC सफिशियंट है तो इनके लिए क्यों नहीं सफिशियंट है? ये अनावश्यक एक बोझ आपने इसमें डाला है जो एक ह्यूमिलेट करने वाला है, वकीलों को ये एहसास कराता है कि तुम लोग झूठे करते रहते हो, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इसको दूर करना चाहिए, इसको हटाना चाहिए धारा को। और जब सजा की बात आप कर रहे हैं, मैं आखिरी पॉइंट कर रहा हूँ निवेदन सभापति महोदय, सजा की बात के लिए जो भाषा आपने प्रयोग की है, जब वकीलों के खिलाफ सजा देने की बात है तो भाषा आपकी बहुत आसान सी है, वो तो वह ऐसे कारावास से जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित होगा, बहुत स्पष्ट भाषा है। लेकिन जब वकील के प्रति, अपराध करने वाले के प्रति जब भाषा आपने प्रयोग की है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास, कारावास 3-4 तरह के होते हैं क्या, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष की हो सकेगी और जुर्माने से जो 25,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा, यह भाषा थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। इसमें जो आपने शब्द अंग्रेजी में भी प्रयोग किया है, इधर डिस्क्रिप्शन जो है इसकी शब्द की मैं समझता हूँ ये आवश्यकता नहीं थी, ये अनावश्यक इस भाषा को भारी भरकम विद्वत्तापूर्ण बनाने के लिए डाला गया शब्द लगता है। जैसे धारा 11 में आपने सरल शब्दों में किया है, वैसा इस धारा 5 में भी सरल शब्दों में किया जा सकता है, उसका संशोधन करना चाहिए। और एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इसको सच्चे मन से लाइए, यदि वास्तव में आप प्रोटेक्शन देना चाहते हैं तो, ये भारी मन से दबाव में आकर लाए हैं ऐसा जो लग रहा है वो नहीं लगना चाहिए, सच्चे मन से लाइए, वकील और मुंशी दोनों का भला सोचते हुए लाइए और ये वो दुरुपयोग वाली धारा बिल्कुल हटाते हुए 182 सफिशियंट मानते हुए इसको आगे बढ़ाना चाहिए, यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। श्रीमती शोभा चौहान।